हेलो, इसके अंदर हम एग्जांपल 15 देखेंगे। सो एग्जांपल 15 सेज अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स वन मोर आवर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। सबसे पहले हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो, अपस्ट्रीम होता है लाइक अगर ये हिल है तो इसके अंदर यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके टॉप से आ रही है एंड एक बोट है। तो देखो, रिवर ऐसे आ रही है एंड बोट इधर को जा रही है, तो इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, क्योंकि देखो अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, अपस्ट्रीम है। ठीक है, अगर बोट की स्पीड इसमें एक्स किलोमीटर पर आर होती एंड रिवर की स्पीड वाई किलोमीटर पर आर होती, तो नेट स्पीड देखो बोट कब चढ़ेगी ऊपर, जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी ना, क्योंकि तभी वो ऊपर चढ़ पाएगी। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, यानी जो बंदा बोट में बैठा होगा उसको लग रहा होगा मैं एक्स माइनस वाई की स्पीड से जा रहा हूँ। एंड अगर बोट इधर को मूव कर रही होती तो बोट और तेज जाती, राइट? तो नेट स्पीड हो जाती एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन द फ्लो जाना, राइट? तो इसे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट द फ्लो जाना, डाउन स्ट्रीम यानी फ्लो के साथ जाना। अब इधर क्या बोलते हैं वो, अ मोटर बोट हूज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी अगर स्टिल वाटर है तो वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो यानी जो उसका एक्स में स्पीड ले लेता हूँ स्टिल वाटर में, तो वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है। और कहता है अगर वो अपस्ट्रीम जाती है 24 किलोमीटर, तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम आने में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी बोट अगर ये और इस पॉइंट के बीच में जा रही है और ये डिस्टेंस 24 किलोमीटर है और ये रिवर फ्लो इधर को कर रही है, ठीक है, तो रिवर की स्पीड में वाई ले लेता हूँ, तो रिवर इधर को फ्लो कर रही है, पहले वो इधर को जाता है, तो अपस्ट्रीम जाने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसकी नेट स्पीड कितनी होगी, इधर को एक्स है इधर को वाई है, तो नेट स्पीड होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको लिख सकते हो स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, जब वो इधर को आ रहा होगा बोट, तो एक्स इधर को वाई इधर को, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो मेरे को डाटा क्या क्या पता चल गया, एक तो डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, स्टिल वाटर की स्पीड 18 है मेरे पास, स्पीड अपस्ट्रीम है, स्पीड डाउनस्ट्रीम है। इसके जगह आप एक्स की जगह वैल्यू डाल दो, एक्स मेरे को पता है 18 है, तो डाटा मेरे पास अब ये बची है, और मेरे पास कोई डाटा नहीं है। वो कहते स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, यानी वाई की वैल्यू निकालनी है आपने इसमें। तो कंडीशन बनानी है, देखो कंडीशन क्या बन सकती है, सारा ने डाटा लिख लिया जो मेरे पास है। सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट? डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, टाइम मेरे को दिया हुआ, कहते हैं डिफरेंस है 1 घंटा, तो इसको निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट में, कि जितना टाइम उसे अपस्ट्रीम लगता है माइनस जितना टाइम उसे डाउनस्ट्रीम लगता है, वो उसका डिफरेंस 1 घंटा है। टाइम होता क्या, अभी आपने देखा हमने कि टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड में टाइम होता है ना, तो उससे निकाल लिया टी इज इक्वल टू डी बाय एस। तो टी होता है डिस्टेंस कितना है इस केस में, 24 किलोमीटर, स्पीड कितनी दी हुई है मेरे पास अपस्ट्रीम वाली 18 माइनस वाई,
किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर भी कट जाएगा देखो, एंड ये आर ऊपर आ जाएगा, माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम देखो चल तो 24 किलोमीटर ही रहा, तो 24 किलोमीटर बाय स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम 18 प्लस 5, उसका डिफरेंस मेरे पास 1 आर है, राइट। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई, वाई की वैल्यू मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, तो देखो ये आर भी ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा 24 बाय 18 माइनस 1 माइनस 24 बाय 18 प्लस 1 इक्वल टू 1, आर इधर था आर इधर था वो इकट्ठे हो गए, इस वाले आर से माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आर था, तो वो दोनों आर कैंसिल हो जाएंगे, वो मैंने सिर्फ आपको बस बताने के लिए लिखा था, डायमेंशन सेम चल रही है। तो इसमें क्या करें, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 24 को मैं सबसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बच जाएगा 18 माइनस 1 18 प्लस 1, ऊपर देखो क्या आ जाएगा 18 प्लस 1 एंड माइनस 18 माइनस 1, काफी बच्चे ऐसे लिख देते हैं 18 माइनस 1, क्या है ठीक है नहीं, क्योंकि देखो ये पूरा आया है ऊपर, तो यानी ये ब्रैकेट लगेगी यहाँ पे, ये ब्रैकेट ही आपके सारे आंसर्स बदल देगी। तो इसमें क्या हो जाएगा 24 इधर बन जाएगा 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई, क्योंकि देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस वाई प्लस वाई, नीचे 18 माइनस वाई 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो अगर वाई की वैल्यू 18 होगी तो नीचे 0 बन जाएगा और ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी इक्वेशन, हम देख लेते कभी वाई की वैल्यू 18 हो पाएगी, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसके बराबर हो जाए, बोट की स्पीड के बराबर, अगर ऐसा हो जाए बोट तो स्टिल ही रहेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी ना कभी पीछे जाएगी, तो सोल्यूशन वैसे भी नहीं निकलेगा रियल लाइफ में, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो इसमें आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि सिंस द बोट स्पीड ऑफ द बोट कैन नॉट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वाई कैन नॉट बी 18, तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, एटीन माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 24, इधर देख लेते हैं 18 कट गया तो अंदर 2y बच गया इक्वल टू, इसको खोल लेते हैं, ये 18 देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये नेट बन गया इधर 48y इक्वल टू दिस। पहले हम x के लिए सॉल्व करते थे, इसमें हम y के लिए कर रहे हैं, बात तो एक ही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है भी, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ क्योंकि मैं y स्क्वायर का ट्राई करता हूँ, कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इक्वल टू 0, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ एक्स कितना होगा माइनस 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324 बाय 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा, तो मेरे पास ये बन गया। अब मैं इसको कैसे निकालूं, 48 का स्क्वायर निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक क्या हुआ, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता सकते हैं 2304, ये कैसे निकाला आप वीडियो देख सकते हैं ट्रिक्स की, इधर मैं सॉल्व भी कर देता हूँ 48 का स्क्वायर कितना होता है,
ये हो जाएगा 8 into 8 64, देन 18 into 4 32 38, एंड देखो 4 into 48 करना है, जितना पहले किया उसका आधा करना है एक तरह से। ये डायरेक्ट भी अगर आप कर सकते तो इधर आ जाएगा 192, तो आ जाएगा 4 0 3 carry 1 carry किया तो 2 2 3 0 4 ही आया। -48 + -1260 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 + 1 2 9 6 / 2 - 3 - 0 4 +
60 - 108/2 यानी -54। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो सकती है? नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती। तो आप लिखोगे सिंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव, -54 कैन नॉट बी एन आंसर। तो y = 6 होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि क्या ये ठीक आंसर आएंगे, कंडीशन में डालिए और आंसर सेम आएंगे। थैंक यू।